हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानते हैं कि आप वृद्धावस्था के लिए किस तरह से पैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, वृद्धावस्था के दौरान आय जो होती है वह नियमित नहीं होती, लेकिन आपके खर्च बरकरार रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप एक बेहतर जिंदगी जिए तो इसके लिए जरूरी है कि आप सही वित्तीय योजना बनाएं। अब इसके लिए आप क्या सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो है वह यह आप करें कि लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, लंबे निवेश के लिहाज से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नियमित रूप से पैसे लगा सकते हैं। अधिकांश मामलों में इनका समय 25 साल से ज़्यादा होता है, इतने समय में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा चीज़ जो होती है वह होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र निवेश पर आईटी एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत कर में कटौती का भी लाभ मिलता है। इसमें कम से कम 100 रुपये या इसके गुणनफल के साथ निवेश शुरू कर सकते हैं। वर्तमान में इस पर 7.6% की दर से ब्याज मिलता है, जो वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से बढ़ता रहता है। जो तीसरा तरीका है वह आप यह अपना सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट फंड यानी कि PPF, इसमें वित्तीय वर्ष में 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस पर भी हर साल 7.6% की दर से ब्याज मिलता रहता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता रहता है। निवेश पर आईटी एक्ट के तहत कर कटौती की सुविधा भी मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा चौथा जो तरीका है वह होता है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट। 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हर महीने 10 रुपये से लेकर मनचाही राशि तक निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस पर 6.9% की दर से ब्याज मिल रहा है, जो हर 3 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको 4 तरीके बताए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। यदि आप इनमें से किसी एक में भी अपना पैसा लगाते हैं तो आप भविष्य में काफ़ी पैसा जमा कर सकते हैं, जो कि वृद्धावस्था में आपके काम आएगा। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।